नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। चंपावत विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार गरमाने के लिए शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरेंगे। धाम के समर्थन में प्रचार के दौरान वह एक जनसभा भी करेंगे। योगी के दौरे पर प्रचार में जुटी भाजपा उत्साहित है। पार्टी ने कहा है कि योगी के दौरे के बाद प्रचंड जीत पर मुहर लगेगी। इस दौरान सीएम टनकपुर में रोड शो कर जनसभा को संबोधित करेंगे। धामी के समर्थन में उतरेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड में रैली करेंगे, रोड शो करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाने के लिए हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हो चाहे बड़े चेहरे हो चुनावी मैदान में होते हैं, और इसी क्रम में पुष्कर सिंह धामी को चुनाव जिताने के लिए, उपचुनाव जिताने के लिए सीएम योगी उनको समर्थन देंगे। टनकपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर जनसभा और रोड शो करेंगे। संवाददाता विभांशु इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, पुष्कर सिंह धामी को उपचुनाव में जीत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टनकपुर में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ तैयारियां और किस तरह से देखते हैं आप इसको, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाने के लिए पुष्कर सिंह धामी को? जी तृष्णा, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तराखंड से ही आते हैं, पौड़ी गढ़वाल में उनका जो पैतृक आवास है वो है, साथ ही साथ उत्तराखंड के अंदर में एक अलग ही पहचान योगी आदित्यनाथ की है। और हाल ही में जो विधानसभा से चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें आपने देखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे। और वही आपको बताए कि पुष्कर सिंह धामी अब उपचुनाव में फिर से प्रत्याशी के तौर पे खड़े हैं, तो उनके साथ मजबूती के लिए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव करने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद जाएंगे जहां से वो आते हैं। और वही आपको बताएं कि खटीमा से चुनाव हारने के बाद अब कनकपुर से पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतारा गया है, और वही कनकपुर को भाजपा की सेफ सीटों में गिना जाता है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड चुनाव में प्रचार के लिए भेजकर कहीं ना कहीं जो एक जो छोटी छोटी जो पार्टी के लिए मजबूती और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उपचुनाव करने को लेकर योगी आदित्यनाथ को भेजा गया है, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ रोड शो का भी आयोजन उनके द्वारा किया जाएगा। और अब देखने वाली बात ये होगी कि योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद जो कनकपुर सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में हमेशा से वही है, तो क्या जो परिणाम आते हैं उसमें किस तरह का तस्वीर देखने को मिलता है, क्या योगी आदित्यनाथ के दौरे की वजह से कुछ भारी फेरबदल देखने को मिलता है, ये चुनाव के परिणाम के बाद देखने वाली होगी। जी बिल्कुल विभांशु, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के चाहे छोटे कार्यकर्ता हो, बड़े कार्यकर्ता हो या फिर बड़े राजनेता हो, वो हमेशा से चुनावी मोड में रहते हैं, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे वो बड़ा चुनाव हो। ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सक्रिय दिख रही है उपचुनाव जिताने के लिए पुष्कर सिंह धामी को, या फिर प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में भी दिलाने के लिए, जिस तरह से 2022 विधानसभा चुनाव में उनको प्रचंड जीत मिली है, क्या कुछ अलग दर्शाता है इनके कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक अलग स्ट्रेटेजी रही है विभांशु? जी बेशक, अगर देखें तो अन्य पार्टियों को देखें तो उपचुनाव या बाय इलेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं एक जो स्ट्रेटेजी होती है वो कमजोर सी दिखती है। हाल ही के दिनों में अगर तिसला देखा जाए तो उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पूरे अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ते हुए देखी गई है, और उसका जो रिजल्ट है वो भी सामने आपके रहा है। तो त्रिशला आपको बताएं कि जहां एक तरफ अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं और 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के पाले में 4 राज्य में गई है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जब उपचुनाव हो रहे हैं तो उपचुनाव में एक उत्तर प्रदेश जो कि देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को वहां प्रचारक बनाकर, स्टार प्रचारक बनाकर भेजना, ये कहीं ना कहीं अगर देखे तो उत्तराखंड के अंदर में भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और साथ ही
ऐसे अभी चुनाव से पहले जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव में दिक्कत होगी, वहीं अगर देखें तो हरीश रावत और आम आदमी पार्टी की चर्चाएं की जा रही थी, मगर अगर देखें तो एग्जिट पोल और तमाम जो राजनीतिक आई थी बातें कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की सरकार बनेगी उसको दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सरकार बनाया, मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए चूक ये हो गई कि अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो थे पुष्कर सिंह धामी वो खटीमा से चुनाव हार गए। तो इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो उत्तराखंड के अंदर में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, और जो अपने फाइव वाइन नेता है योगी आदित्यनाथ उनको भेजकर और उत्तराखंड के लोगों को आश्वस्त करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं। और देखने वाली बात ये होगी कि जो अन्य विपक्षी दल चुनाव में लड़ रहे हैं वो किस तरह का फाइट देते हैं। और अगर बात करें तृष्णा तो ये जो सीट है कनकपुरा ये कहीं ना कहीं इस बार रोमांचक होते हुए दिख रहा है, और अगर देखें तो कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर में देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भांशु, जिस तरह से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपोर्ट में खड़े हो रहे पुष्कर सिंह धामी के, स्टार प्रचारक के रूप में जा रहे, बेहद ही दिलचस्प होने वाला, हालांकि वो भी उत्तराखंड के ही। इस खबर पर जानकारी के लिए आपका धन्यवाद भांशु, बने रहिए आप हमारे साथ। लोगों का ये भी कहना है कि उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जादू है वो चलेगा और कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी को जीत दिलाने में मददगार साबित होगा। यूपी विधानसभा में बजट पेश किया गया जिसको लेकर आज 11 बजे सदन में छठवें दिन की कार्यवाही में इस पर चर्चा होगी। योगी सरकार के 6,15,000 करोड़ का बजट पेश किया, जबकि इस बजट को लेकर सीएम ने कहा कि ये बजट अगले 5 साल के विकास का लक्ष्य दर्शा रहा है, उज्ज्वल भविष्य का ड्राफ्ट बजट कहा जाना चाहिए। उन्होंने इसे जन आकांक्षाओं के मुताबिक बजट करार दिया। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बजट पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि योगी सरकार हमेशा ही दावा रहा है कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, मगर अब तक ऐसा नहीं हुआ। संवाददाता विभांशु इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज सदन की कार्यवाही में क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और क्या कुछ जो गहमा गहमी का माहौल है वो किन मुद्दों पर नजर आ सकता है? जी तिस्ला, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा की अगर देखी जाए तो पहला बजट और पेश हुआ, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में छठा बजट, और वहीं सुरेश खन्ना वित्त मंत्री के तौर पे छठी बार बजट पेश करते हुए नजर आए। आपको बताएं कि 6,00,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया, इसमें तमाम तबकों को ध्यान में देते हुए साथ ही साथ किसान, महिला, चाहे बात की जाए तो बाल विकास मंत्रालय, चाहे बात की जाए इंफ्रा, चाहे बात की जाए प्रदेश के विकास एवं चौमुखी विकास को लेकर हर एक प्रयास किया गया। साथ ही साथ आपको बताएं कि बजट को लेकर जो आने के बाद सभी पार्टियों की प्रतिक्रिया आ रही है, तो वही समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों को लेकर जो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही गई थी उसको ध्यान में नहीं दिया गया, और तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा बजट की खामियां निकाली जा रही हैं। और ऐसा पहले भी होता रहा है कि जब बजट आता है तो उसमें तमाम जो विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल होते हैं वो उस बजट की खामियां निकालते हैं, और कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के अंदर में बेहद ही सही चीज है। वही आपको बताएं कि आज बजट पेश होने के बाद अगर देखें पिछला तो आज विधानसभा के अंदर में बजट पे चर्चा होगी, जिसमें यस और नो लॉबी, बजट जो यस लॉबी होगी जो पक्ष की सरकार होगी वो बजट को बेहतर बताने में लगेगी, साथ ही साथ विपक्ष की अगर बात करें तो वो बजट में कमियां निकालेगी। वही आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष ने अखिलेश यादव की तरफ से पहले ही मैनिफेस्टो में किए गए वादों और साथ ही साथ उनकी तरफ से ऐसे आलोचना किए गए थे विधानसभा के अंदर में कि आपने पहले जो संकल्प पत्र 2017 से 22 की सरकार में किया था, संकल्प लिया था, उसे आप पूरा कर ले पहले फिर आगे का देखें। तो वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है
इस पर जवाब देते हुए और सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि लगभग हमने कंप्लीट कर लिया और आगे की हमारी तैयारी है। तो कहीं ना कहीं कृष्णा ये देखा जाए तो इस बार का बजट सत्र और साथ ही साथ जो अभी राजनीतिक मायनों से अगर देखें तो 2024 को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तैयार है। उत्तर प्रदेश विधानसभा को सेमीफाइनल चुनाव माना जा रहा था और सेमीफाइनल जीतने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फाइनल खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वही अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो विपक्षी पार्टी भी एकजुट होकर और सरकार घेरने का प्रयास कर रही है। वही आज विधानसभा के अंदर में भी होगा। अगर विधानसभा में देखा जाए तो आज विपक्ष कहीं ना कहीं जो प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, साथ ही साथ महंगाई, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दाम, इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए नजर आ सकती है। वहीं अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से कहा यह गया है कि हम 4 लाख रोजगार पिछली सरकार में दी और आगे भी सृजन करके और 100 रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। तो तमाम इन सब मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच में दोनों के बीच तानातानी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे अभ्यर्थी, चाहे बात की जाए कनिष्ठ सहायक, चाहे बात की जाए 97,000 शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे सहायक शिक्षक, एडेड सहायक शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे बात की जाए 69,000, चाहे बात की जाए 68,500, चाहे बात की जाए अबकारी सिपाही, ये सभी अभ्यर्थी जो सालों से अगर देखे और महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी जो ज्वाइनिंग को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, इस कोई भी सवाल को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं आज विधानसभा के अंदर में सवाल उठा सकता है। जी बिल्कुल विभांशु, आज के विधानसभा कार्रवाई पे आप अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और कहीं ना कहीं आज का भी सदन बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से कमर कस चुका है कई मुद्दों पर सवाल उठाने के लिए। और कहीं ना कहीं एक ये चलता आया है कि पक्ष हमेशा से बजट पेश करता है और विपक्ष उसमें कमियां गिनाता है। इसी कड़ी में आज का भी सदन दिलचस्प होगा। देखना ये होगा कि किन मुद्दों पे आज हलचल होती है, किन मुद्दों पर बवाल होती है। हालांकि अभी वहां पर सेल्फी लेने को मना कर दिया गया है विधायकों को। फिलहाल अभी तक के खास खबरों में इतना ही। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।